हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बाय एंड फॉरगेट स्टॉक। मैं ऐसे चार स्टॉक बताने वाला हूँ जिनको आप बाय कीजिए और भूल जाइए। मैंने भी अपना थोड़ा सा फंड लगाया हुआ है और मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ कि ये स्टॉक्स एक बार खरीदने के बाद आप भूल भी गए तो बाद में आपने देखा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ऐसे चार स्टॉक आज हम लोग कवर करने वाले हैं और इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उनके मैं फंडामेंटल और चार्ट्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा क्या उनमें पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये कोई सजेशन नहीं है कि आप खरीदिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर कंसल्ट करें। तो ये चार स्टॉक है, चारों स्टॉक आज मैं कवर करने वाला हूँ और उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं आ जाता हूँ छोटी स्क्रीन पे और आपको लेके चलता हूँ मेन स्क्रीन। तो सबसे पहले बात आ जाती है रिलायंस की। आप सोच रहे होंगे मैं रिलायंस सजेस्ट करने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रिलायंस सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ आपको, मैं जस्ट रिलायंस दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट कैप कितना है अभी रिलायंस का, ऑलमोस्ट 19,55,000 करोड़। तो आप खुद सोचिए कि रिलायंस का इतना बड़ा मार्केट कैप है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कनेक्टेड इसी से है एक कंपनी, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और वो कंपनी है प्रामिल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अभी आप बोलेंगे रिलायंस से मैं इधर क्यों आ गया, राइट? अभी आप खुद सोचिए रिलायंस का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़, ठीक है? उसका मैं 10% पकड़ता हूँ तो वो आता है 2 लाख करोड़, उसका भी मैं 10% पकड़ता हूँ तो वो आता है 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ के अंडर वैल्यू में हमारे पास मिलती है पिरामिल एंटरप्राइजेस। पिरामिल एंटरप्राइजेस किसकी कंपनी है? ये है अजय पिरामल एंड आनंद पिरामल, जो उनके बेटे हैं। दे आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे ओन दिस कंपनी। और आनंद पिरामल इज अ हस्बैंड ऑफ ईशा अंबानी, जो कि डॉटर है मुकेश अंबानी की, जो कि ओन करते हैं रिलायंस। 20 लाख रुपए, 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। कुछ ना कुछ तो ईशा अंबानी को मिलेगा ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, या एक सपोर्ट ही मिलेगा। सपोज आनंद पिरामल इज को कोई जरूरत लगती है बिजनेस को ग्रो करने में, ही इज हैविंग अ गुड बैकिंग एंड ही इज द होल सोल ओनर ऑफ पिरामिल एंटरप्राइज। तो मैं इस कंपनी पे बहुत बुलिश हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ये 10 गुना तो हो ही सकती है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ईशा अम्बानी अभी पिरामिल के घर की बहू बन चुकी है एंड शी, और जैसा कि हमें न्यूज में मिलने सुनने को मिला है कि अम्बानी अनिल और मुकेश अम्बानी अपने तीनों बच्चों को इक्वल प्रॉपर्टीज देने वाले हैं। इक्वल भी नहीं, 1/4 भी पकड़ता हूँ। अगर ईशा अंबानी को रिलायंस से 1/4 भी मिलता है तो कितनी वैल्यू ऐड होगी इसमें पिरामिड एंटरप्राइज में। इट कैन टेक अप टू 5 ईयर, 10 ईयर, बट दिस कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि ये मल्टीफोल्ड हो सकती है। एक तो ये कनेक्शन मैंने आपको बताया रिलायंस के साथ, और इनका ये वेबसाइट भी मैंने ओपन किया है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये अजय पिरामिल है, ये आनंद पिरामिल है जहाँ पे मैंने कंसर रखा है। ही इज द हस्बैंड ऑफ ईशा अंबानी और मुकेश अंबानी के दामाद। तो इनका ये कंपनी है पिरामिड एंटरप्राइजेस। तो मैं पर्सनली इस कंपनी पे इसलिए बुलिश हूँ, और पी रेशियो देखिए, पी रेशियो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है। आप बोल सकते हैं प्राइस की मैं बात करूँ तो बीच में प्राइस काफ़ी 1500 के भी आसपास था, बाद में अभी कम हुआ है। बट इसको अगर आप थोड़ा सा अपना शेयर डाल के छोड़ देंगे तो इट कैन डू वंडर्स। और अभी पी चल रहा है 46 का चल रहा है, मार्केट कैप है 18,000 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड भी देते हैं ये 3 से 4% की, तो आपको डिविडेंड भी आता रहेगा। और एक पोर्टफोलियो में रखने लायक ये स्टॉक है, आप अपना भी स्टडीज कर सकते हैं। मैंने कनेक्शन आपको बताया, ये पिरामल एंटरप्राइजेस का चार्ट है। एक टाइम पे ये 200 रुपये का भी ट्रेड होता था और आज ये है 834 रुपये का। कोविड के टाइम पे 450 का लो बनाया था। बट ये कंपनी एक ऐसी कंपनी, मुझे ऐसा लगता है
आपके पोर्टफोलियो का 1-2% आप इसमें डाल सकते हैं जस्ट बिकॉज द कनेक्शन विद द अंबानी। मुझे पर्सनल ऐसा लगता है, तो मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंफर्म करें। दूसरी कंपनी जो आती है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है। अभी मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5.5 लाख करोड़ का और पीई है 54 का, बट ये कंपनी मार्केट लीडर है। अभी जो चारों कंपनीज मैंने सेलेक्ट की है उसमें पीआईएल को छोड़ दें, प्रामिल एंटरप्राइज को छोड़ दें, बाकी कंपनीज मार्केट लीडर है, कोई रेड फ्लैग नहीं है और एक पॉजिटिविटी दिखती है। ये तीनों फैक्टर्स कवर होंगे उन तीनों कंपनीज में। अभी ये मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों पसंद है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे अभी सबसे सस्ती अवेलेबल है पीई जो है ना, इनका कोविड के टाइम पे पीई गया था 70 का पीई था, अभी तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास का पीई है। और प्राइस की मैं बात करूं, अभी ये बीच में ऑलमोस्ट 2800 का हाई बनाया था और 2700-2600 की रेंज में से अभी डाउन साइड में आके 2300 की रेंज में ट्रेड हो रही है। इसके जो एडवांटेज है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई कर्जा नहीं है, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट देती है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 11 टाइम्स बुक वैल्यू की, क्योंकि ये FMCG का स्टॉक है, थोड़ा सा इनका बुक वैल्यू ज़्यादा ही रहता है। द कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ। देखो अभी होता क्या है, ये एक ऐसी कंपनी है जो मतलब अजय अमर है, इसको कुछ हो ही नहीं सकता ये कंपनी को, तो थोड़ा सा इस FMCG के सेक्टर में ग्रोथ जो है इतनी नहीं मिलेगी आपको, 20-30% की ग्रोथ नहीं मिलेगी, बस 10% की ग्रोथ मिलेगी। बट ये अभी जिस लेवल पे यहाँ पे खरीद के इसको भूल जाना एक प्रॉफिटेबल सौदा है। ये आप देख सकते हैं ये पूरी जो इसके कॉम्पिटिटर्स है, तो ऑलमोस्ट अपने कॉम्पिटिटर्स में सबसे सस्ती है, कोलगेट से भी सस्ती है, PNG से भी सस्ती है, जिलेट से भी सस्ती है और डिविडेंड यील्ड भी सबसे ज़्यादा है। तो और कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, क्लीन कंपनी है, तो इसमें आप जरूर लेके भूल सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। और ये है एक्चुअल के चार्ट्स, थोड़े से बड़े चार्ट्स लगा देता हूँ मैं। ये आप देखेंगे शुरू से ही अप ट्रेंड में रही है, अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रही है यहाँ पे, बट अभी अगर देखें काफ़ी अच्छा करेक्शन आ चुका है, मतलब 2800 से करेक्ट होके 2300-2400 की रेंज में अवेलेबल है, विच इज़ अ गुड रोड, ए गुड रेट एज पर एज माई नॉलेज। तो इसमें आप थोड़ा सा थिंक कर सकते हैं। और बाकी तो कंपनी फंडामेंटली टेक्निकली हर चीज़ में मुझे साउंड लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आती है कोटक बैंक। कोटक बैंक मुझे बहुत पसंद है। हाँ अभी RBI ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया है तो ये करेक्ट हुआ है, बट अगर उसका मार्केट कैप देखेंगे 3.25 लाख करोड़ का है और PE भी 18 का है। अगर देखें PE तो ये अभी 10 साल में ऑलमोस्ट सबसे सस्ता मिल रहा है, तो पर्सनली मुझे काफ़ी बिलीव है कोटक बैंक में, और कोटक बैंक में यूज़ भी करता हूँ, इनकी ऐप पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। फंडामेंटली उदय कोटक साहब को कौन नहीं जानता, और टेक्निकली कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, और ये एक ऐसा शेयर है जिसको आप लेके भूल सकते हैं लंबे अरसे के लिए, आपको ज़रूर ये पैसा बना के देगा। और ये एज अ कंपेयर करूँ तो देखिए कोटक बैंक थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड के मामले में दूसरे बैंक से ज़्यादा लगता है मेरे को, भला आप अगर आप कोटक बैंक की ब्रांच भी विजिट करेंगे या उनका ऐप भी यूज़ करेंगे या ओवरऑल चीज़ें। हाँ अभी जो एक्शन लिया है RBI ने उनके अगेंस्ट, वो भी मुझे लगता है जैसे HDFC के अगेंस्ट एक्शन लिया था तो फिर से HDFC ने रिकवर कर लिया था, तो ये भी रिकवर कर लेगा, ऐसा कोई बड़ा एक्शन नहीं है। एंड वो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं कि वो अभी काफ़ी ही ज़्यादा अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करने वाले हैं कोटक बैंक वाले, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक डबल भी हो सकता है विद इन 2 ईयर्स में। तो इस स्टॉक को भी मेरे हिसाब से लेके भूल जाना एक फायदेमंद सौदा है। पहला स्टॉक था PIL, दूसरा स्टॉक था हिंदुस्तान यूनिलीवर और तीसरा स्टॉक था कोटक।
चौथा स्टॉक आप गेस कीजिए, वो भी बैंकिंग सेक्टर का ही है, मार्केट लीडर है और क्लीन कंपनी है, बहुत ही अच्छी इमेज वाली कंपनी है। अगर आपने गेस किया है तो सही किया है, दैट इज एचडीएफसी बैंक। आपके सामने आ चुका है एचडीएफसी बैंक। आप देखेंगे एचडीएफसी की बैंक का प्रॉफिट ऑलमोस्ट रिलायंस से ज़्यादा है, बट इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है, 11,50,000 करोड़ के अभी आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक पी 17 का है और ओवरऑल पी देखेंगे तो पिछले 10 सालों में सबसे सस्ता अभी मिल रहा है, सबसे सस्ता भी मिल रहा है। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में कितना अच्छा रैली आ सकता है, ऐसा मेरा कन्विक्शन है, क्योंकि प्रॉफिट तो भर भर के कर रहा है ये बैंक और बड़ा नहीं है, और इस मोमेंट पे लेके भूल जाना एक प्रॉफिटेबल सौदा हो सकता है मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक। ये सारे एडवांटेज हैं, इसके डिसएडवांटेज हैं, और एज अ कंपेयर एचडीएफसी बैंक दूसरे बैंक में मेरे को तो लीडर लगता है, क्रेडिट कार्ड में लीडर है, हाउसिंग लोन में लीडर है और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक रॉक सॉलिड ब्रांड है। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मल्टीफोल्ड हो सकता है ये, अगर आप 5 साल के लिए इसको लेके भूल गए तो। इसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देखेंगे शुरू से अप ट्रेंड में रहा है और अभी थोड़ा सा जो कंसोलिडेट हो रहा है इसमें आप फायदा इसका ले सकते हैं। या भी शुरू से अप्रैल में रहा है, जिसने भी कभी भी लिया है इसको, उसको 2-3 साल के लिए होल्ड किया है तो प्रॉफिट में ही रहेगा, क्योंकि ये अप्रैल का ही स्टॉक है, ज़्यादा डाउन ट्रेंड में रहता नहीं। अभी ये एक रिकॉर्ड टाइम हो गया है कि अभी 2020 से डाउन ट्रेंड में, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब अप ट्रेंड आएगा तो बहुत ही गजब का अप ट्रेंड आएगा, क्योंकि इसका अप ट्रेंड अभी तक रुका हुआ है और जिस हिसाब से इसके प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स तो बढ़ ही रहे हैं, आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 8,500 से लेके अभी 18,000 पे आ गए, तो रेट नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, 2.5x हो गए हैं जब से इसका रेट नहीं बढ़ा है, मतलब यहाँ से रेट नहीं बढ़ा है, यहाँ से लेके 20 से लेके अभी 24 में बैठे हैं, तो इनके इनके प्रॉफिट 2.5x हो गए हैं। तो ये चार स्टॉक थे, चलिए एक और स्टॉक में आपको दे देता हूँ जाते जाते, ये पांच स्टॉक में मेरा कन्विक्शन काफ़ी हाई है और ये मुझे लगता है ये रॉक सॉलिड स्टॉक्स हैं, और वो पांचवा स्टॉक है एशियन पेंट। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एशियन पेंट, पेंटिंग इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, फंडामेंटल बेस्ट है और एक डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है ये कंपनी, तो इसको भी आप एज लेके भूल सकते हैं। सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज इसमें बहुत ही कम है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट वो बुक वैल्यू तो आएगा, क्योंकि ये मार्केट लीडर है और अपना शेयर भी है अपने आप में कंसिस्ट रखता है। इसका पी देखें, पी भी आपको अभी बहुत ही सस्ते पी भी मिलेगा, अगर मैं 10 साल की बात करूँ तो सबसे सस्ते पी भी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 48-50 के पी पे अवेलेबल है, बीच में ये 100 के पी को भी क्रॉस किया था। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप लेके मतलब एटलीस्ट आप 2x तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा स्टॉक है। मार्केट कैप भी कोई ज़्यादा नहीं है, 3.25 लाख करोड़ का है, और ये भी एचडीएफसी बैंक की तरह से काफ़ी टाइम से बड़ा नहीं है, लेकिन ये जब बढ़ेगा तो बाकी सबको पीछे छोड़ देगा, मेरा ऐसा मानना है। तो ये पांचवा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि काफ़ी ही, देखिए इसमें भी कितना अच्छा अप ट्रेंड आया, अभी ये भी 2021 से अटका हुआ है, पर जब ये ब्रेकआउट देगा तो सबसे बड़ा ब्रेकआउट देगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा जो भी लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये पांच स्टॉक मैंने आपको बताया, पहला स्टॉक बताया मैंने पीआईएल, उसका मैंने कनेक्शन टू रिलायंस आपको मैंने समझाया, दूसरा बताया हिंदुस्तान यूनिलीवर, तीसरा बताया मैंने कोटक बैंक, उसके बाद मैंने आपको बताया एचडीएफसी बैंक, और फाइनल स्टॉक बताया मैंने एशियन पेंट। ये पांच स्टॉक हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि इनको लेके आप भूल भी गए तो आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम होगा, और पर्सनली मेरा ये कन्विक्शन इन पांचों स्टॉक में अच्छा है, इन सब में मेरा सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद कोटक बैंक में, उसके बाद पीआईएल में, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में, और फिर एशियन पेंट्स में।
फ्रेंड्स ये पांचों स्टॉक थे जिनको आप लेके भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रॉफिट ही होगा ऐसा मुझे लगता है। बट इन्वेस्ट करने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल सलाहकार से डिस्कस कीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड वीडियो है, इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग की टिप्स नहीं दी गई। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, सी यू।